अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं तोकीर और आप देख रहे हैं तोकीर व्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूं दामने को, जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, यानी इस्लामाबाद के पहाड़ों में है। अभी हम चलते हैं दामने को अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका व्यू कि ये किस तरह का है और यहाँ क्या क्या फेमस चीज़ें हैं। जी, दामने को ऊपर हम पहुँच गए हैं। यहाँ इनकी काफ़ी ह्यूज पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग वगैरह है। सामने बाइक पार्किंग है, इसके बाद कार पार्किंग वगैरह है सामने, और काफ़ी तकरीबन 2000 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सकती हैं। पार्किंग के बिल्कुल साथ ही ये फूड स्ट्रीट्स बनी हुई हैं। यहाँ काफ़ी बच्चों के लिए सामने झूले और खाने के लिए भी यहाँ काफ़ी इंतज़ाम वगैरह, पकौड़े, समोसे और मुख्तलिफ चीज़ें, और अपने नाम की किचन वगैरह भी अगर आप चाहें उसे आपको मिल जाएंगी। और एक फूड स्ट्रीट का आपको एक विजिट करवा लूँ। साथ में ये झूले वगैरह भी हैं बच्चों के लिए कुछ, और उसके साथ ही ये मुख्तलिफ ट्रैक बने हुए हैं। अगर आप ऊपर जाने के लिए ये ट्रैक भी है, ये भी है, तो हम इस ट्रैक का इंतखाब कर रहे हैं और यहाँ से भी हम जाएंगे आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे। इतवार का रोज़ है, काफ़ी रश है पार्क में। यहाँ फ्लावर्स सेल कर रहे हैं आंटी है। सामने कैमल राइड है, हॉर्स राइड है, और रश भी इनके पास तकरीबन। सामने जंगल है और इसमें काफ़ी सारे मंकीज भी हैं और बंदर वगैरह, यानी काफ़ी हैं। तो अभी मैं कोशिश करूंगा कि अगर इसमें नज़र आ जाए। इधर जाते हैं, जंगल है। अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो यहाँ बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं या खाना वगैरह खा सकते हैं। और कुछ पार्टियाँ यहाँ आई हुई हैं जो मैं देख रहा हूँ, बारबेक्यूज पार्टी इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, इस वजह से यहाँ बंदर काफ़ी हैं। जैसे देख लें, ये दरख्त इस पर भी बैठा हुआ है। ये सामने है, ये अंकल हैं, ये कोई माल्टे वगैरह लाए हुए हैं, तो इनके पास काफ़ी रश है बंदरों का। ये बैठे हुए देख लें, ये सामने, ये सामने भी कुछ फैमिलीज जा रही हैं अंदर जंगल वाली साइड, वहाँ भी काफ़ी बंदर हैं। ये बंदर को अंकल ने कुरकुरे दिए हैं, ये देखें, खुद फापर शापर पहाड़ के खा रहा है। काफ़ी अच्छा फील होता है, बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करते हैं यहाँ आकर। काफ़ी बंदर वगैरह हैं इधर पीछे और खुले घूम रहे हैं। एक तो होता है ना जंगल है, जंगल में काफ़ी ये पीछे लोग जो हैं वो भी खाने को इनकी इनके लिए चीज़ें लाते हैं तो इन्हें देते हैं, तो ये भी बड़े खुश होकर उनकी तरफ भागे चले आते हैं। ये काफ़ी घना जंगल है, ये बीच में मुख्तलिफ पॉइंट भी बनाए हुए हैं, सिटिंग एरिया जहाँ बैठ कर अपना टाइम पास कर सकते हैं, या ये जंगल में या इन जानवरों परिंदों को इंजॉय कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। और ये सामने रास्ता है, अभी हम ऊपर जाएंगे दामने को वाली साइड, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है। ये पीछे देखने चूल्हा टाइप बनाया हुआ है, यहाँ लोग आते हैं जंगल में और बारबेक्यू या मुख्तलिफ चीज़ चावल वगैरह या और मुख्तलिफ चीज़ें बनाते भी हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में या इस जगह सिर्फ आपको खाना है बनाने या कुछ भी कुकिंग की इजाज़त है, बाकी कहीं भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जंगल है, आग लग सकती है, तो ये जगह थोड़ी सेव है, इसलिए उन्होंने यहाँ इजाज़त दी हुई है। ये मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं जिनसे लोग ऊपर दामने को की तरफ जा रहे हैं, तो फॉरनर भी काफ़ी आए हुए हैं सामने, मैं देख रहा हूँ, चाइनी है, जापानी है। तो सामने भी रस्ते हैं,
ये आई थिंक हाइकिंग के लिए आए हैं इधर। दोनों ये जो ट्रैक बनाए हुए हैं इनके दोनों साइड पर काफ़ी अच्छे आबशार वगैरह भी हैं जैसे ये बनाए हुए हैं, लेकिन पानी इनमें नहीं है। और इस साइड पर भी कोई फैमिली आई है जो अभी अपने खाने का प्रोग्राम शुग्राम सेट कर रही है। काफ़ी सांस वगैरह भी चढ़ा है क्योंकि चढ़ाई है जैसे यहाँ ऊंचाई कह सकते हैं, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो सांस वगैरह चढ़ा है। और ये इस साइड पे भी आपको अगर मैं दिखा सकूं, काफ़ी बंदर वगैरह घूम रहे हैं यहाँ। अगर एक और बात है, अगर आप आएँ आपके पास जो भी चीज़ होगी खाने पीने की, उसे आपने ज़रा मुताद तरीके से पकड़ना है क्योंकि ये बंदर किसी भी टाइम हमला करके आपसे झपट के या छीन के लेके जा सकते हैं। ये आगे कुछ स्ट्रेट रेंज से ऊपर चढ़ें तो सामने एक राउंड बोर्ड बनाया जिसमें खजूर के कुछ दरख्त हैं, उसके गोल गुलाब के और डिफरेंट किस्म के पौधे वगैरह हैं जो फ़िलहाल खिजा हैं सूखे हैं। साइडों पे बड़े खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाए हुए हैं। साइड में भी सिटिंग एरिया है जिसपे फूलों की बेलें वगैरह चढ़ाई हुई। एक बार फिर स्टेयर्स हैं और आगे ग्राउंड बर्ड है और इस साइड पे कुछ सिंगर्स बैठे हैं जो गाने वगैरह गाते हैं, तो लोग इन्हें कुछ इनकी हेल्प कर देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये अब हम पहुँच गए हैं दामने कोह पॉइंट पे। ये सामने आप देख सकते हैं जो फ्रेम ये जंगले वगैरह लगे हैं। तो यहाँ पर खड़े होकर आपको पूरे इस्लामाबाद सिटी का व्यू आता है और ये पहाड़ों का दामन है इसलिए इस जगह को दामने कोह कहा जाता है। और मैं आपको आगे से व्यू भी दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से तकरीबन पूरे सिटी का व्यू नज़र आता है। वो देखो सुप्रीम कोर्ट है, पाक सिक्योरिटी को। हाँ तो फ्रेंड, ये इस जिस जगह में खड़ा हूँ इस जगह का नाम है दामने कोह। ये पहाड़ों का बिल्कुल दामन है तो इसलिए इसे दामने कोह के नाम से मशहूर है। और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ये मार्गला हिल का बिल्कुल सेंटर है या दामन कह सकते हैं। यहाँ खड़े हो गए पूरे इस्लामाबाद सिटी जो है और रावलपिंडी उसका व्यू नज़र आता है। आप पीछे देख सकते हैं मुख्तलिफ लोग हैं जो फ्रेम बना हुआ उसके साथ खड़े होकर इस्लामाबाद सिटी का व्यू ले रहे हैं। जैसा कि मेरे पीछे सामने सेंटोरियस है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद यूफन टावर है। ये इस साइड पे जाएं तो पार्लियामेंट हाउस है, पार्क सेक्टर है और वो सामने रावल डैम भी नज़र आ रहा है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ से पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी नज़र आता है और इसलिए इस जगह को दामने कोह कहा जाता है। ये इसका व्यू है। तो ये अभी मैं खिजम में आया हूँ तो इसलिए आपको कुछ थोड़ा बहुत उजाड़ उजाड़ लग रहा है। पीछे भी आप पौधे वगैरह मेरे या दरख्त देख सकते हैं सूखे हुए। तो मैं जब बाहर में आऊँगा इंशाल्लाह आपको इससे ज़्यादा और बेहतर और अच्छा व्यू नज़र आएगा। हाँ तो फ्रेंड, अभी हम वापसी जा रहे हैं दामने कोह से। तो यहाँ मुख्तलिफ जगह पर सिंगर जो हैं या वो कलाकार कह सकते हैं अपने अपने इंस्ट्रूमेंट ले कर बैठे हुए हैं। कहीं ढोल वाले हैं, कहीं गिटार वाले हैं, जैसे भी ये मेरे पीछे अंकल एक हैं लगे हुए। ये
ये अपने अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं, तो लोग इन्हें देख के फिर कुछ ना कुछ इनकी हेल्प कर देते हैं। ये पीछे सिटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा, अगर आप निशानेबाजी का शौक़ रखते हैं पीछे बैलून वगैरह हैं जिनसे आप निशानेबाजी भी कर सकते हैं। और यहाँ एक और बड़ी फेमस या मशहूर चीज़ है, यहाँ एक है शाही पानदान वाले, यानी जो अगर आप पान खाने के शौकीन हैं तो ये जैसे बादशाह या शाह जो होते थे वो पान वगैरह खाते थे, तो उनके कुछ स्पेशल टाइप के तबीब या वो होते थे ना पान बनाने वाले, तो यहाँ एक अंकल है उन्होंने बिल्कुल उसी तरह का सेटअप बनाया हुआ, वो पान वगैरह सेल करते हैं। अभी मैं जाता हूँ उसकी भी आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये पीछे वो अंकल बैठे हुए हैं, सेम उसी तरह ड्रेसेस पहनी हुई है पजामा वगैरह और बादशाही स्टाइल में। काफ़ी मशहूर है और तकरीबन काफ़ी टाइम से मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये यहीं पे हैं। काफ़ी मशहूर मशहूर शख्सियात है जिन्होंने जो यहाँ आई हैं उनसे पान खा के गई, उनकी तस्वीरें मैंने अपने यहाँ पे लगाई हुई हैं। इसके साथ ही ये कुछ स्टॉल वगैरह भी बने हुए हैं जैसे आइसक्रीम वगैरह और चाट वगैरह या गोलगप्पे वगैरह, ये पीछे देख सकते हैं। छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है नमाज के लिए, लेडीज़ के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, और जगह जगह पे बेंच वगैरह भी लगाए गए हैं सेटिंग के लिए, या बैठ के आप अपना टाइम या पास कर सकते हैं। और ये वापसी का रास्ता है, अभी हम वापस जा रहे हैं। ये इसका ऊपर जाने का रास्ता है, ये जहाँ से मैं आया हूँ ये इसका वापसी का रास्ता है। काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ पे आके, और ये सामने आप देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ है, उसके दामन में ये एक अलग सा पॉइंट बनाया गया है और इसीलिए इसका नाम भी दामने को ही रखा गया है। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको दामने को भी लोग अच्छा लगा होगा। तो अभी तो मैं ख़िज़ा में आया हूँ, इसलिए कि आपको दिखा सकूँ कि ये ख़िज़ा में किस तरह है और बहार में किस तरह। बहार में एक बार मैं दोबारा आऊँगा और आपको बहार का व्यू भी दिखाऊंगा कि ये बहार में कैसा होता है, और फिर हर चीज़ हरी भरी नज़र आती है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में लगे घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक हमारी पहुँच सके। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमें कमेंट करें, ये मशहूर है।